तो हिमाचल में शुरू हुआ आम आदमी पार्टी का हैशटैग सेल्फी विद स्कूल अभियान। सोलन से हिमाचल प्रदेश की आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने इसकी शुरुआत की है। सुरजीत ठाकुर ने लोगों से आम आदमी पार्टी की इस मुहिम से जुड़ने की अपील की है। आपको बता दें कि शिक्षा को आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया है हिमाचल प्रदेश में, और लगातार जो शिक्षा व्यवस्था है उसे लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है। अब आम आदमी पार्टी ने हैशटैग सेल्फी विद स्कूल अभियान शुरू किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार लोगों से जुड़ने की अपील भी की जा रही है। तो सोलन से हिमाचल प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरजीत ठाकुर ने इसकी शुरुआत की है। साथियों, आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में एक जन अभियान चलाने जा रही है जो शिक्षा क्रांति को लेकर होगा। इस जन अभियान का नाम है हैशटैग सेल्फी विद स्कूल। आप अपने आसपास के स्कूल में जाएं, वहां पर फोटो खींचें, वहां की वीडियो बनाएं और उस फोटो वीडियो को सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करें, जिसकी वजह से जो हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का सुधार हो सके। हम चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में शिक्षा एक अहम मुद्दा बने। ये हमारे बच्चों के लिए भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी भागीदारी के बगैर इस अभियान को कामयाब बनाना आसान नहीं है। साथियों, तो आम आदमी पार्टी का हैशटैग सेल्फी विद स्कूल अभियान शुरू हो गया है हिमाचल में। आपको बता दें कि स्कूलों की स्थिति को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अभियान चलाया है और सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। ऐसे में लोगों से जुड़ने की अपील भी आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। लगातार आम आदमी पार्टी जिस तरह से शिक्षा को एक मुद्दा बना रही है हिमाचल प्रदेश में, वैसे ही इस अभियान की शुरुआत भी आम आदमी पार्टी ने की है, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है पार्टी को? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी ने इस अभियान की जो शुरुआत की थी और लगातार अब जिला स्तर पर सेल्फी विद स्कूल इस अभियान के जरिए जो पार्टी के नेता हैं वो भी काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप भी आम आदमी पार्टी के इस अभियान से जुड़ें। हालांकि अभी अभियान की शुरुआत है और देखना ये होगा कि इसे आगे कितनी सफलता मिलती है, लेकिन जो पार्टी के नेता हैं, जैसे आज जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरजीत ठाकुर, उन्होंने बाकायदा सोलन से सेल्फी विद स्कूल की शुरुआत की। इसी तरह से पार्टी के प्रवक्ता हैं गौरव शर्मा, उन्होंने शिमला में इसकी शुरुआत की। लोगों से भी अपील की जा रही है, कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार है उसको शिक्षा के मॉडल पर घेरने की कोशिश यहाँ पर आम आदमी पार्टी कर रही है। और देखने में भी आया है कि जब आम आदमी पार्टी किसी राज्य में चुनाव के लिए जाती है, उस राज्य में सबसे बड़े जो वहां के कह सकते हैं कि लोगों के करीब के मुद्दे होते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, उन पर फोकस किया जाता है। हिमाचल में भी एजुकेशन को फोकस किया जा रहा है। दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है उसकी बात वहां पर हो रही है, स्कूल सुधारे गए इसकी बात वहां पर की जा रही है, तो इस मॉडल को हिमाचल में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि जो प्रदेश की बातें हैं, प्रदेश में आखिर शिक्षा की स्थिति की है, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश सरकार को शिक्षा को लेकर बहस की चुनौती दी थी, उस पर गोविंद सिंह ठाकुर जो शिक्षा मंत्री हैं हिमाचल के, उनकी तरफ से भी वापस जो है ये कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश जो प्रदेश है हिमाचल, वो उसके साथ चर्चा कर सकता है कि उसकी बराबरी का हो। दिल्ली छोटा प्रदेश है, दिल्ली में कम स्कूल है, हमारे पास 15,000 से ज्यादा स्कूल है, तो ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो ये अभियान एक तरह से जो चुनावी माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर आम आदमी पार्टी कर रही है, उसमें सक्सेस कितनी मिलती है। जी, चले, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। हिमाचल में आम आदमी पार्टी का सेल्फी विद स्कूल अभियान शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात होगी वाकई कि कितना रिस्पॉन्स पार्टी को मिलता है।